जाए। और जो तीसरा गुण होता है वो होता है तमोगुण। अब तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण देखने में सतगुण जैसा ही लगेगा कि सतगुण में क्या है, संतुष्टि के कारण वो शांत रहता है, लेकिन तमोगुण आलस्य और प्रमाद के कारण शांत बैठा होता है। उसके आलस्य करने का कुछ मन ही नहीं करता, प्रमाद रहेगा, बहुत आलस्य रहेगा, शिव आपकी उसके अंदर चिंता फिक्र नहीं रहेगी, दूसरी के तरक्की को देखकर ईर्ष्या होती रहेगी, दूसरे लोग खुश रहेंगे इससे भी उसको समस्या होगी। तो ये तमोगुण वाले व्यक्ति का लक्षण है। हमें अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा सद्गुण को बढ़ाना है, तभी हम शुद्ध सद्गुण तक पहुंचेंगे। अब दूसरा आता है वाणी। वाणी कैसा होना चाहिए? वाणी भी लक्षण है। तो मनुष्य जिस प्रकार का वाणी बोलता है उसी से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण है। जो सत्वगुण व्यक्ति होता है वो हमेशा प्रिय बोलेगा, सत्य बोलेगा। इसीलिए देखिए, एक कहा भी गया है, कबीर दास जी ने बोला है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो आपको भी शीतल रखे और दूसरों को भी ठंडक महसूस। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो हमेशा दमयुक्त वाणी बोलता है, उसके अंदर अहंकार रहेगा, दम रहेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रहेगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरा नीचा है। उसमें यह समझ नहीं होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और बिल्कुल समझ नहीं रहती। और तमोगुण व्यक्ति तो बिल्कुल विवेकहीन होता है, उसे पता ही नहीं कि क्या हितकर है और क्या अहितकर है। वो अपने ही वाणी से अपना ही अहित कर लेता है, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो ये क्या है? तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और जो सत्वगुणी है वो कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये जगह देख के, शब्द वाणी को देख के अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये सत्वगुणी का लक्षण। अब हम आते हैं भोजन के। भोजन जैसा भोजन जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो सत्वगुणी व्यक्ति है वो जानता है कि कब खाना है, कितना खाना है, भूख लगने पर ही खाता है और हमेशा सात्विक भोजन ही करता है। ये सत्वगुण वाले व्यक्ति का लक्षण। रजोगुण व्यक्ति क्या होता है? स्वादयुक्त भोजन ही करता है, हर प्रकार से भोजन में वो त्रुटि निकालता है। और तमोगुण व्यक्ति जो होता है वो बासी और फास्ट फूड ये सब खाएगा, जिसमें कि उसका भोजन क्या होगा, अशुद्ध होगा, उसमें बासी होगा, उस पर मक्खियां भी बैठी है तो मक्खियां उड़ा के खा लेगा। तो ये सब क्या है? तमोगुण वाले व्यक्ति का लक्षण। अब आते हैं हम अगला पॉइंट, वो है वस्त्र। वस्त्र भी देखिए मनुष्य के लक्षण को बताता है। जो सत्वगुण व्यक्ति होगा वो हल्के रंग के सुविधाजनक वस्त्र पसंद करेगा, हल्का रंग हो, ज्यादा तड़क भड़क ना हो और पहनने में आराम हो वस्त्रों को। तो और वो समाज के अनुसार वस्त्र पहनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बेढंगा पहन के निकल के, ऐसा नहीं करेगा सत्वगुण व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति रंगीन वस्त्र को, तड़क भड़क वाले कपड़े पहनेंगे जो सुंदर हो, फैशन में चल रहे हो, वैसे वस्त्र को वो आकर्षित करेगा। और तमोगुणी व्यक्ति गंदे, असुविधाजनक, असभ्य कपड़े पहनेंगे। तो ये कपड़ों से भी व्यक्तित्व का पहचान होता है। अब हम आते हैं आवास पे, कि हमारा आवास कैसा हो। आवास मतलब घर। तो जो सत्वगुण से युक्त व्यक्ति होगा उसका आवास, उसका घर जो होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, सारे कमरे में सूर्य का प्रकाश आएगा, बहुत ही साफ सुंदर घर देख करके ही लगेगा हमें, मतलब शांति आएगी उसके घर को देख करके, ऐसा घर वो स्वच्छ रखेगा। रजोगुण वाला व्यक्ति क्या होगा? उसका आवास पूरा विलासिता पूर्ण, पूरा सुख सुविधाओं से युक्त भरा हुआ होगा। लेकिन जो तमोगुण वाला व्यक्ति होगा उसका आवास क्या होगा? अशुभ होगा, घर में मकड़ी के जाले लग रहे होंगे, सारा सामान कपड़े सब व्यवस्थित इधर उधर अव्यवस्थित फैले हुए होंगे,
उसे खुद ही विचार नहीं हुआ कि अपने घर उसका घर उसने कितना गंदा कर रखा है, किस तरह से कर रखा है, इसकी आभास उसको होगी नहीं। क्योंकि तमोगुण क्या करता है, जड़त्व को लाता है, जड़ बना देता है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम इतने गंदगी में, इतने गंद में रह रहे हैं। अगला आता है निवेश यानी खर्च, दान करो। तो सत्वगुणी व्यक्ति है वो दान करेगा तो ऐसी सुरक्षित जगह पे दान करेगा, कहीं ध्यान यज्ञ हो रहा है या लोक कल्याण का कार्य हो रहा है, ऐसे में वो अपने धन को व्यय करेगा। ज्यादा लाभ का लालच नहीं रखेगा ज्यादा, और वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षा भी करेगा, तो जीवन बीमा और थोड़ा सा पैसे भी बचा करके सुरक्षित करेगा। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा पैसे वो शेयर मार्केट में लगाएगा, जहाँ की ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, जहां पर उसको निवेश करना है वहां पर वो निवेश नहीं करेगा, उचित जगह पर वो पैसा नहीं लगाएगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा जुआ खेलेगा कि और पैसे मिल जाए, और पैसे मिल जाए, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहेगा और उसके लिए बहुत पैसे लगाना चाहेगा। ये नहीं देखेगा कि उसका पैसा सही जगह लग रहा है या गलत लग रहा है, वो बेवकूफी वाला काम करेगा। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, कर्तव्य। सात्विक व्यक्ति हर कर्म अपने कर्तव्य के अनुसार करेगा, जो उसका कर्तव्य है उसके अनुसार वो उस कर्म को करेगा। रजोगुणी व्यक्ति को पता होता है कि यह काम करना चाहिए, किंतु उसका मन होगा तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ऐसे। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, मजबूरी में काम करेगा, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा तब वो, लेकिन कोई भी काम खुश होकर के नहीं करेगा, करना है तो चलो अनमने ढंग से कर दिया, हो गया ना, बस ऐसे करके करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वभाव पे, कि स्वभाव कैसा होता है। तो जो सत्वगुण से युक्त व्यक्ति है वो स्वभाव से हमेशा दूसरों को हित करेंगे, और दूसरों को हित करने में उनको बहुत आनंद आएगा। अब देखिए, जब अंगद रामचंद्र जी के दूत बन करके लंका जाते हैं, तो पहले श्री राम जी से पूछते हैं, वहां जाकर मुझे रावण से क्या कहना है, ऐसे पूछते हैं। तो राम जी कहते हैं, काजू हमार तासो हित होई, रिपु सन करेहु बत कही सोई। रावण श्री राम जी का शत्रु था, फिर भी शतगुणी श्री राम, क्योंकि शतगुण था उनके अंदर, तो शतगुणी राम अंगद से कहते हैं कि रावण से कहना कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम अगर हो जाएगा तो इसमें उसका भी हित है, रावण का भी हित है। तो शतगुण व्यक्ति अपने दुश्मन का भी, जो दुश्मन होता है, जो अहित कर रहा होता है, उसके लिए भी वो हित की कामना करते हैं, उसके लिए भी मंगल कामना करते हैं। और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो अपना, सिर्फ अपना देखते हैं, हमारा काम बन जाए बाकी दुनिया भाड़ में, अपना हित हो जाए बाकी दूसरों का अहित हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रजोगुणी व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है, और तमोगुणी व्यक्ति दूसरों का अहित करने के लिए ही सोचता है, दूसरों का अहित करने में थोड़ा भी संकोच नहीं लगता। जैसे सो हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे जब बारिश होती है तो ओले गिरते हैं, और ओले गिरने से क्या होता है, फसल नष्ट हो जाता है, पर वो स्वयं भी तो नष्ट हो जाता है। ओला जो है वो क्या है, फसल पे गिरा, फसल को नष्ट किया, लेकिन वो स्वयं भी तो नष्ट हो गया, स्वयं ही तो मिट्टी में मिल गया। तो इसी तरह तमोगुण व्यक्ति बारिश के ओले की तरह होते हैं, तो वो दूसरों को भी नष्ट करते हैं और दूसरों को नष्ट करने में खुद भी नष्ट हो जाए। तो ये हुआ तमोगुण व्यक्ति का लक्षण। अब हम आते हैं रुचि पे। अब सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचने में रुचि दिखाएगा, अच्छा अच्छा सोचेगा, पवित्र सोचेगा, और रजोगुण से युक्त व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही इच्छा होगी कि मेरे बारे में लोग अच्छा सोचे, मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं या ना सोचूं, इसे कोई लेना देना नहीं, मेरा इज्जत मेरा प्रेस्टीज नहीं जाना चाहिए, मेरे बारे में सब अच्छा सोचे, मेरे बारे में सबका दृष्टिकोण अच्छा हो। और तमोगुण वाला व्यक्ति क्या होगा, बिल्कुल उल्टी बातों में ही अपनी
दिखाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इच्छा पे। अब जो सत्वगुण वाले व्यक्ति होंगे वो अपनी आवश्यकता को महत्व देने की इच्छा उनके अंदर नहीं। ठीक है, अपनी आवश्यकता जितना है पूरी हो जाए, वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोच, अपने जो उनकी वास्तविक जो बेसिक नीड है उसी की इच्छा करेंगे। कि हाँ, जैसे जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है शरीर को जीवित रखने के लिए, तो थोड़ा भोजन लेंगे, अपने वस्त्रों को भी सीमित करेंगे, ज्यादा वो इच्छा नहीं बढ़ाएंगे, उनकी इच्छाएं सीमित हो गई, जितनी आवश्यकता है उतनी ही होगी, जितना कम में कम पूरी हो जाए, क्योंकि वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और रजोगुणी व्यक्ति असीमित इच्छाएं करेंगे, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये हो जाए, तो इस तरह से रजोगुणी व्यक्ति उनके अंदर अहंकार रहेगा। और तमोगुणी व्यक्ति दूसरों के दुख को दुखी करने में लगा रहेगा, दूसरों को दुख पहुंचाने में लगा रहेगा, ये तमोगुण व्यक्ति के लक्षण। अब हम आते हैं संग, कि कैसा संग होता है, जो रजोगुणी होता है वो कैसा संग करता है, सत्वगुणी कैसा संग। तो जो सत्गुणों से युक्त व्यक्ति है वो सज्जनों का संग करता है, सज्जन संगति करता है, समाज में उन लोगों के साथ उठता बैठता है जो जिनके पास नैतिक मूल्य होते हैं। साधु भी अगर गलत है किंतु साधु के बेस में है तो लोग उसके भी पैर पड़ने लग जाते हैं। हमें अपने विवेक से देखना है कि किसके अंदर सद्गुण है, किसके अंदर रजोगुण, ये हमें हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। रजोगुण से युक्त व्यक्ति क्या करते हैं, उनका संग कहाँ होता है, राजनेताओं के संग, उच्च लोगों के संग, उनको फोटो खिंचवाने में मजे आएंगे, उनके भीतर अहंकार रहेगा, मैंपना बहुत बांधे रहेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा, मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, मैं ये, मैं वो, इन्हीं सब अहंकार में वो दंभ करते रहेंगे। तब मतलब अहंकार। और तमोगुण से युक्त व्यक्ति क्या होगा, वो अच्छे लोगों से दूरी बना लेगा, अच्छे लोगों के पास टिकेगा ही नहीं, अच्छी बातें सुनेगा ही नहीं, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना उसको पसंद ही नहीं आएगा, वो बिल्कुल उसको बेकार लगेगा, बकवास की बातें में। ये तमोगुण वाले व्यक्ति के लक्षण। तुलसी जी ने एक बहुत ही सुंदर व्याख्या दिया है, बताया है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलही निज जल संगा। रज यानी कि धूल के कण, रज रज को बोलते हैं धूल के कण, धूल के कण पवन का संग करके, धूल का जो कण होता है, पवन मतलब वायु का संग, वायु के साथ मिलकर के आसमान को छू लेता है। अब वायु जब चलती है तो क्या होता है, धूल का कण उसके साथ उड़ता है, तो वो क्या होता है, आसमान को छू लेता है। क्यों, क्योंकि पवन क्या है, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर जाता है, तो ये धूल का संग करके ऊर्ध्वगामी बन जाता है, आकाश को छू लेता है। और वही धूल के कण जल के साथ मिलकर के निम्नगामी हो जाते हैं, क्योंकि जल का प्रवृत्ति क्या है, नीचे की तरफ आना, तो वो कीचड़ में आकर के गिर जाते हैं, कीचड़ बन जाता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरि बारी बिकार। ईश्वर ने जड़ और प्रकृति, ईश्वर ने जड़ यानी प्रकृति और चेतन यानी कि पुरुष एवं गुण दोष युक्त विश्व का निर्माण किया है, मतलब जिसमें पूरा ये जो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ दिखता है, तीनों में ये गुण मौजूद है। तो इस प्रकार हम विवेकी पुरुष को अपना विवेक प्रयोग करते हुए अपने भीतर सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, सत्वगुण को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना चाहिए। अब जैसे कैसे धूल का कण जैसा संग किया वायु का, कि वायु ऊर्ध्वगामी है, आगे बढ़ने वाला है, ऊपर उठने वाला है, उसका संग करके वो आकाश को छू लेगा। लेकिन वही धूल का कण अगर जल के साथ संग किया, जल का काम क्या है, वो हमेशा निम्नगामी होता है, नीचे की तरफ बहता है, जल नीचे की तरफ फ्लो होता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो जल क्या है, वो जल के साथ अगर वो संग करेगा तो वो क्या
कीचड़ में गिर जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। तो जो व्यक्ति जैसे लोगों का संग करते हैं उनका वैसे ही उत्थान होता है। अगर वो ऊंचे लोगों का संग करेंगे तो वो ऊर्ध्वलोकों में जाएंगे, उनका अच्छा विकास होगा आत्मा का। और जैसे लोगों का संग करेंगे वैसे ही उनकी संगत और रंगत होगी, वैसे उनका विस्तार होगा। अब हम थोड़ा और जानते हैं थोड़ा सा सत्व और रजस्व में, कि जो सत्व गुण है, सत्व गुण का जो मूल मंत्र होता है वो होता है विवेक। सत्व गुणी व्यक्ति के अंदर विवेक बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा विवेक होगा उतना ज्यादा वो सत्व गुणी होगा। विवेक मतलब क्या? विवेक किसको कहते हैं? विवेक में क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ जी, सबको क्लियर समझ आ रही है? कैरियन ओके है ना? ठीक है ठीक यस है। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो जो विवेक के बारे में मैं बात कर रही थी, कि जो सत्व गुण का मूल मंत्र है वो विवेक होना चाहिए। विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब होता है कि जैसे हम अगर कोई चीज देखते हैं तो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में हम विचार करते हैं, फिर उस सामान को लेते हैं, थोड़ा बुद्धि विवेक लगाते हैं अपना। अब विवेक मतलब जैसे हम जानते हैं कि ये संसार नित्य है। नित्य मतलब जो होकर बदल रहा है, संसार नित्य है और आत्मा अनित्य है, अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलने वाला है। तो हम ये अपने विवेक के द्वारा जानेंगे कि मृत्यु निश्चित है, ये शरीर का बदलना निश्चित है। ये बच्चा था, फिर युवा हुआ, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर एक दिन मृत्यु में मिल जाएगा। लेकिन इसके भीतर जो चेतन है, जो आत्म स्वरूप है, वो अनित्य है, मतलब वो बदलने वाला नहीं है। तो इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। और जितना विवेक होगा सत्वगुण उतना ही, जितना सत्वगुण होगा उतना ही विवेक ज्यादा होगा। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी बताया है कि रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है। रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ भी ज्यादा आएगा, और लोभ आएगा तो कर्मों का आरंभ हो जाएगा, और कर्म ज्यादा, जितना ज्यादा कर्म होगा उतना ज्यादा अशांति आएगा, उतना ज्यादा वृत्तियां पैदा होगी। तो रजोगुण के बढ़ने पे क्या होगा? स्वार्थ बुद्धि होगी, स्वार्थ आएगा, लोभ होगा, विषय भोगने की लालसा होगी, और विषय भोगेंगे तो मन में अशांति आएगी। और हमेशा लोभ, जिसके अंदर जितना ज्यादा लोभ होगा वो कभी शांत रह ही नहीं पाएगा, हमेशा सोचते रहेगा यह कर लूं यह ले लूं, मन में असंतुष्टता भरी रहेगी, ये मिल जाए तो सुखी, वो मिल जाए तो सुखी, इस तरह से। तो तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश मतलब उसके अंदर अंधकार रहेगा, प्रमाद रहेगा, मोह रहेगा, ये सारी वृत्तियां तमोगुण की है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अंतःकरण में जब अप्रकाश होगा यानी अंधकार होगा, तब वहां पे तमोगुण होगा और मन हमें हमेशा उल्टी बातें आएगी। वो हमेशा अपने ही कर्मों का निंदा करेगा, आलस्य करेगा, कोई भी काम करने का उसका मन नहीं करेगा। कोई भी काम करेगा तो वो ज्यादा बिगाड़ देगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में प्रकाश ही नहीं है, अंधकार है, कोई काम वो अच्छा कर ही नहीं पाएगा। तो जिस समय सद्गुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य की मृत्यु होती है वो उत्तम लोकों में जाता है। तो देखिए, सत्वगुण अचानक से नहीं बढ़ जाएगा कि मृत्यु के समय सत्वगुण बढ़ गया। उस सत्वगुण को बढ़ाने के लिए हमें अभी से प्रयास करना है।
ताकि अगर मृत्यु भी हो ये शरीर मरे भी तो हमारा उत्तम लोकों में प्रवेश हो और अगला जन्म बेहतर हो, और जहां से हमने साधना प्रारंभ किया है वहीं हमारा साधना वहीं से आगे बढ़े। अब 5 मिनट और समय लूंगी। तो रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी जो है वो ऐसे ही योनि में जन्म लेगा जैसे कि जैसा उसका सोच विचार रहेगा, और जो तमोगुण के बढ़ने पे मूढ़ योनियों में जन्म लेता है तो वह मूढ़ जानवरों की योनियों में भी जा सकता है, क्योंकि वो तमोगुण मतलब आलस्य प्रमाद में बेहोशी में जो अपना शरीर छोड़ते हैं वो वैसे ही योनियों में उनका जन्म होता है। तो जो विवेकी पुरुष होते हैं वो शुभ उनके जो विवेकी पुरुष का सारा कर्म शुभ होता है और उनका उनके अंदर सात्विकता बढ़ता जाता है, और जो रजस कर्म करते हैं रजस कर्म का परिणाम उसका कर्मों का परिणाम दुखाता है, क्योंकि उनके उनका कर्म भी उसी प्रकार होता है, ये ले लो तो सुखी, ये मिल जाए तो सुखी, तो ये दुखदायी परिणाम लाता है। और तमस का जो कर्म फल होता है वो मूढ़ता लाता है, मूढ़ता ही रहता है, अज्ञानता ही रहता है। तो सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञानता ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने सत्वगुण को बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान और ज्ञान लेने की आवश्यकता है, और सत्वगुण से स्थित जिसके भीतर सत्वगुण रहता है वो उधर्व लोक ऊंचे लोकों में जाता है, रजोगुण में मृत्यु लोक में ही जन्म लेते, मतलब बार बार पृथ्वी पे जन्मना मरना वो चक्र चलता रहता है, और तमोगुण अधोगति में जाता है, मतलब वो नीचे योनियों में भी चला जाता है। मनुष्य शरीर पाके भी अपने कर्मों को वो इस तरह मनुष्य जन्म को बेकार व्यतीत कर देता है, अपने जीवन को ऐसे झोंक देता है, फिर उसको अधोगति में जाना पड़ता है, जानवरों की योनियों में भी जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने 3 गुणों के बारे में जाना, 3 गुणों के बारे में अच्छी प्रकार से समझा। इससे रिलेटेड अगर किसका सवाल हो तो वो आपको कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग ध्यान में चलेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ शेयर आप करेंगे? मैं करूं? दीदी जी, शेयर कर दो। हाँ कर दीजिए। किन्हीं का कोई सवाल तो नहीं है? चलिए ठीक है, फिर हम ध्यान शुरू करें। सभी लोग आराम की स्थिति में बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में, कमरे की रोशनी जितना कम हो सके कम कर लीजिए। तो आलती फालती मार के बैठना चाहते हैं आलती फालती मार के बैठ जाएं, तो कुर्सी पे बैठे अपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, जो चश्मा पहने अपने चश्मा को उतार लें, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठे, अपने अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा कर गोद में रख लें और आंखें बिल्कुल बंद, जब तक मैं ना बोलूं कृपया कोई भी आंख नहीं खोलें। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे और नीचे चलेंगे। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे अपनी सांस को मुंह से छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ें।
लंबी गहरी सांस, बिल्कुल धीरे धीरे। अब बंद आंखों से अपने नासिका के अग्र भाग को देखेंगे और अपने आते जाते सांसों को, एक एक सांस को ऑब्जर्व करेंगे। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर कहाँ तक जा रही है, एक एक सांस का ऑब्जर्वेशन। म्यूजिक लगा दीजिए मैडम। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी ना ही, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस, मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना ध्यान को अपना योगी बन सांस को। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की प्रेक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा,
ज्ञान की दीक्षा, श्वास के प्रेक्ष ज्ञान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले ले वे ज्ञानी बन जाए। सांस को अपनावे ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र, मेरे प्यारे दोस्तों। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले वे ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी।
जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले। पहचानू आ देह रथ जानो, देह रथ के पहचानू आत्मज्ञान पाले वे। ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे, देह रथ जानो, देह रथ के पहचानो आत्मज्ञान पाले वे। ज्ञानी बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए। योगी भवार्जुन, कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं, इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत, बहुत हो गया आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही, शरीर तो नव द्वार का है परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खेल जावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है।
परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा बेहद भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी ले जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी ले ज्ञानी बन जा। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्काल के हैं, शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं, वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही, और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं, बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुके हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान तीन गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान तीन गुण अधिक शक्तिशाली। पुन्नम रात के ध्यान करेंगे तो तीन गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले, छह कमलों के ऊपर स
सत्य लोक पहचानूं। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनार विशुद्ध एवं आज्ञा छह कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानूं। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे सांस को अपनावे कर्म कर्म में धर्म पल पल में आनंद पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म पल पल में आनंद आनंद ले ले वे ज्ञानी बन जावे सांस को अपनावे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोले, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु, हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे जानी बन जावे, आत्मद्रष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। नहीं कोई सोच नहीं कोई विचार, श्वास के प्रेक्ष ध्यान की दीक्ष, ध्यान दीक्ष ले ले वे ज्ञानी बन जावे, बन जावे। आखिरी एक मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोले, अपने आप में मस्त रहे, केवल एक मिनट अपने ही भगवत सत्ता में भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाए। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोले, केवल 30 सेकंड।
शाबाश। धीरे धीरे अपनी चेतना में आए मास्टर, अपने पैरों की उंगलियां हिलाए, धीरे से अपने हाथों को उंगलियां पूरे और अपने दोनों हाथों की तरफ नीचे 5 4 1 2 1 0। तो मास्टर धीरे से ही अपने हाथों के बीच में अपने आप को खोलिए और एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर, आप मालूम है जिसको भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना अनुभव शेयर करने कर सकते हैं। यस मास्टर, जो कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है अनुभव शेयर करे और ध्यान से बाहर आ जाए। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मास्टर ने अपना एंडेज कीजिए। मेरी आवाज सुन पा रहे मास्टर? अपनी एक एक सांस के साथ जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड्स, बस 15 मिनट और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
यस मास्टर, किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल है किसी का? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। सुमित्रा मैम, आपकी आवाज आ रही है साफ। जी मैम, मैं भाई जाना, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए मैम। मुझे लग रहा है मैम म्यूट कर चुके हैं अपने आप को, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी यहीं पे आज यही विराम देते हैं अपनी वाणी को। मास्टर थैंक यू मैम। कोई पूछना है, किसी का कोई सवाल है? नहीं तो थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ध्यान में बने रहने के लिए, और इसी प्रकार अपनी ध्यान और ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। और थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स।